रानी सुदन जी कहीं आ गया, बहुत अच्छी प्रकार से शिकार खेल करके। स्वामी ना आप आ गए, मेरा लाल सिंह द्वारपाल कहाँ रह गया? कहाँ है? आता ही होगा रानी सुदन जी। नहीं, द्वारपाल की रोने की आवाज सुन रही हूँ मैं। आपको तकलीफ दुख नहीं न दिए? कुछ नहीं कहा है रानी सुदन जी, उसे कुछ नहीं कहा। आखिर क्यों रो रहा है? राम सिंह द्वारपाल, राम सिंह। अरे पगला, तुझे क्या हो गया है रे? क्यों रो रहे हो मुझे बता। ना बताई दे, वो साधु मुंह बोल दी है। भगवान ही, मैं क्या सुन रही हूँ? ये पागल तो नहीं हो गया है राम सिंह? तुम क्या पक रहे हो? कितनी दुलार प्यार से मैं पूछ रही हूँ तुम्हें क्या हो गया है? बोल रहे हो साधु मुआए? साफ शब्दों में मुझे बता राम सिंह, बता मुझे क्या हुआ है? साफ शब्दों में बता मुझे। कौन है कि ना बताई मेरे को साधु मुआए? स्वामीनाथ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? महारानी बताओ। महाराज हमसे जबरदस्ती करके दक्षिण गई चला। तुम्हें जाकर बीच जंगल में वो साधु के पेश दे। अरे हमारी समनवा बाबा का खोनवा दूर डरा बहरे निकल गए हो। गुणबाबू ढंग से पीटत रहो जनात्र हुए कि मुर्गा काट गए लोग। मरे की टाइम कहूं के सतपाल, अरे क्या मैं तुझे श्राप दे रहा हूं? जिस दिन सर से पगड़ी, तन से आभूषण सर उतर जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे बैठ के तुम। कोई ना तो बातें मत बताइए स्वामीनाथ। आइए मैं आपको समझाती हूं। मैं 112 नंबर का मोबाइल पर नंबर डाटा। ये बताइए, ये बताइए, हमारे में आपका हक है, आप में मेरा हक नहीं है? क्यों नहीं रानी सुदन जी? क्यों नहीं हक? आखिर क्यों नहीं मेरा? कहा माने ये क्या मैं सुन रही हूँ द्वारपाल की मुखार से? क्या मैं सुन रही हूँ? कुछ नहीं, रो मत, आंसे मत बहाओ, कुछ नहीं होगा। मेरा राजताज इसी तरह से रहेगा। होगा, ऋषि महात्मा की बाड़ी खाली नहीं जाती है। नहीं रानी सुदन जी, आजकल के साधु महात्माओं के पास वो शक्ति नहीं रह गई है जो तुम सोच रही हो। कुछ नहीं होगा। शक्तियां हैं, शक्तियां हैं। ऋषि महात्मा मुनि नहीं रहते तो पृथ्वी फंस जाती है। कुछ नहीं रानी सुदन जी, ये सब झूठे बकवास है। महारानी, महाराज सही कथ में झूठ है। कैसे झूठे? रोईबा लो तो हम लोग जनईबा सबके। बारवा ने जमा एम्बुलेंस खड़ा, बता दे कि केहू बीमार हो। आजकल शक्ति बा केहू की पास। लोग कहत हो कि देव का देव महादेव शंकर हो शंकर। 20 जगह गौवा में शिव चर्चा हो थी। उन्हों की मंदिर को से घंटा उठा दे। मत रो लोग। जलने दो पास की बात। सुबह जी ने राम से, राम से आओ, मैं समझ गई तुम्हारी बाड़ी को। हाँ तो एक भी बात अपने दिल के अंदर से निकाल दो, कुछ नहीं होगा। तुम बेफिक्र रहना, ठीक है? श्रद्धा में हंसी खुशी के साथ रहना, जाओ। ठीक है, सही है आप।